शैलेश सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। जो पहला सवाल है कि आप लोगों ने जो प्राइज अनाउंसमेंट किए हैं 17.5 लाख रुपया, ये आप लोगों ने कैसे अचीव किया है? देखिए, 17.5 लाख तो एक बात थी। बेसिकली हमारा एम था कि लास्ट 5 वर्षों से हम लोग ये सोच रहे थे कि एक एक बैरियर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन में है उसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो शुरू में हमारी हमेशा से ये सोच रही थी कि अगर मैं 400 किलोमीटर के ऊपर अगर रेंज दे पाया तो रेंज एंजाइटी जो है करीब करीब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर इंटरसिटी ड्राइव अगर आप कंट्री में देखें तो 85% से 90% लोग जो है 400 किलोमीटर से कम करते हैं। तो इसलिए हमें लगा कि अगर 400 करेंगे तो कर पाएंगे। तो सबसे पहला था कि प्राइस तो एक बात है, लेकिन रेंज एंजाइटी के साथ हम लोग को वो प्राइस अचीव करनी है, क्योंकि कम रेंज के साथ तो मैं प्राइस पैरिटी तब भी अचीव कर सकता था। तो ये सोच के साथ हम लोग चालू किए और सेल प्राइसेस जैसे जैसे कम होती गई, जैसे हम लोगों ने लोकलाइजेशन लेवल को बढ़ाते गए हम लोग, और जैसे जैसे बाकी जो सब सिस्टम के कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज करते गए हम लोग, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर को हम लोग इस लेवल पर ले आ पाए कि इसको हम लोग वो 17.5 लाख के प्राइस पॉइंट पर हम लोग दे पाएं, जो कि एक किसी इस सेगमेंट में अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक या डीजल ऑटोमेटिक देखें तो उनकी भी प्राइस इससे ऑन रोड इससे ज्यादा है। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने किया था और सेल प्राइस जो कम हुई लोकलाइजेशन और बाकी सब सिस्टम कॉस्ट में जो हम लोगों ने कमी लाई उसके कारण हम ये कर पाए। सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कर्व ईवी आपने लॉन्च की है इसमें ऐसा क्या फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में नहीं है? ऐसी बहुत सारी फीचर्स हैं, अगर आप देखिए स्क्रीन साइज देख लें, सेफ्टी फीचर्स इसकी देख लें जितनी तरह की दी हैं, ADAS लेवल 2 देख लें, अगर आप इसमें बूट अगर देखें जिस साइज की बूट है 500 लीटर्स जो 400 लीटर 420 लीटर के आसपास इस सेगमेंट में पाई जाती है, जेस्चर कंट्रोल जो टेल गेट है, ये सब फीचर्स अगर देखें, एंड टू एंड LED लाइटिंग जो है, ये सब फीचर्स जो है फर्स्ट इन सेगमेंट है। तो ये सब सेगमेंट, ये जो फीचर्स हैं हम लोगों ने कोशिश की है लाने की जो एक सेगमेंट ऊपर है और लोगों को एक अच्छी प्राइस में भी मिली। ये सारी कर्व ईवी को आप लोगों ने जो कूपे स्टाइल में लॉन्च किए हैं इसके पीछे क्या रीजन था? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अगर आप देखेंगे तो SUV में भी हम लोग हमेशा आगे रहे हैं जी। अगर हिस्ट्री अगर आप टाटा मोटर्स की भी देख लें तो हम लोग हमेशा पायनियरिंग एफर्ट लाए SUV में। वो सियरा अगर आप देखें 1991-92 में, उसके बाद सफारी, पहली बार लाइफस्टाइल SUV का कॉन्सेप्ट हमने कंट्री में लाया। पंच जो है वो अपने में एक कैटेगरी क्रिएटिंग कार थी, और नेक्सॉन भी जो है वो उसने भी अपनी कैटेगरी क्रिएट की। तो SUVs में हम हमेशा जब भी अप्रोच किए हैं एक नई सोच के साथ अप्रोच किए जो सेगमेंट को रीडिफाइन करे। तो ये सेगमेंट मिड साइज SUV सेगमेंट जो है, जो हम लोग देख रहे थे कि काफी तेजी से बढ़ रही है, साइज भी काफी बड़ी हो चुकी है, करीब करीब 7 लाख गाड़ियां हर साल बिकती हैं इस सेगमेंट में। तो हम लोगों ने देखा कि ये काफी कंजेस्टेड सेगमेंट है, अगर हमें लाना ही है तो ऐसी कार को लाना चाहिए जो ग्लोबली काफी तेजी से ग्रो कर रही है एज अ ट्रेंड। तो आप अगर कूपे बॉडी स्टाइल देखें तो ग्लोबली प्रीमियम SUV सेगमेंट में ये काफी पॉपुलर होती जा रही है। तो हम लोगों ने सोचा इसको डेमोक्रेटाइज क्यों नहीं करें अपनी कंट्री में लाकर। तो वो सोच थी इसके पीछे कि एक क्लटर ब्रेकिंग कार जो है इस सेगमेंट में दे पाएं, और SUV कूपे जो है वो एक बहुत अच्छा बैलेंस है, एक कमांडिंग जो प्रेजेंस एक SUV की होती है और एक बहुत ही एलिगेंट जो लुक होती है कूपे की, वो दोनों को बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। तो वो सोच से हम लोगों ने इसको लाया। आप लोगों ने टाटा जो व्हीकल जो है IC इंजन से जब EV आप लोगों ने अलग किया, और अभी फिलहाल आपने कहा कि गुड़गांव और केरला में हैं आप लोग प्रेजेंस हैं, इसके अलावा बाकी शहर में आप लोग कब तक आएंगे? जो tata.ev शोरूम्स की आप बात कर रहे हैं, तो बहुत ही एक लाजमी चीज थी कि जैसे जैसे हमारी पोर्टफोलियो ईवी की ग्रो कर रही है, हम लोग जो शॉप इन शॉप कॉन्सेप्ट था, यानी कि जिस शोरूम में हम लोग अपनी आईस गाड़ियां बेच रहे थे उसमें एक छोटे से एरिया को हमने एलोकेट किया था एज अ शॉप इन शॉप फॉर सेलिंग EVs, वो चीज जो है वो अब पॉसिबल नहीं है जी। उसलिए हम लोगों ने वो tata.ev स्टोर्स के साथ हमने उसको पहले गुड़गांव में चालू किया था। हम लोग करीब करीब 50 ऐसी सिटीज आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहां पर कि tata.ev एक वायबल वे में उन सिटीज में आ सकती है, क्योंकि डिमांड उसका बढ़ चुका रहेगा उन सिटीज की जैसे जैसे हम लोग नई कार ला रहे हैं। पहले हम लोगों ने गुड़गांव में किया, केरला जो है वो बहुत ही हाई पेनिट्रेशन EV मार्केट है,
तो वहां हम लोग ला रहे हैं नेक्स्ट, और ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग इसका और प्रस्तार करते जाएंगे। तो एक सवाल मैं आपसे इस पे और पूछूंगा कि आप लोगों ने कहा कि जो टोटल सेल का जो 12% सेल है वो सिर्फ ईवी का ही है, ऐसे में क्या जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं क्या वो प्रॉफिटेबल होंगे? बिजनेस पार्टनर मतलब जैसे जो आप जो डीलर होंगे, हाँ, वो क्या प्रॉफिटेबल होंगे? नहीं बिल्कुल होंगे बिल्कुल, क्योंकि 12% जो है वो काफी ज्यादा होता है जी, और ये 12% आप पूरे इंडिया लेवल पे जो हम बेच रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं जी। ईवीज का जो सेल है वो कुछ सिटीज में फोकस्ड है, तो अगर उन सिटी में पेनेट्रेशन देखो तो काफी ज्यादा है। सो ये बिल्कुल आसानी, अगर वैसे अगर आप डीजल कार्स देखें तो उसकी पेनेट्रेशन भी 15% है, सीएनजी कार्स की पेनेट्रेशन भी करीब 20% के आसपास है जी। तो 12-15% में तो काफी वायबल है ईवीज, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइसेस और मार्जिन्स भी डीलर्स के लिए काफी ज्यादा होती हैं, तो इसलिए उनकी वायबिलिटी बिल्कुल है, इस पेनेट्रेशन लेवल पर भी है। शैलेश सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो फेम 2 था, फेम 3 का सबसे सब लोग को उम्मीद था लेकिन फेम 3 मिली नहीं, और अभी जो देखा जाए एक जो ट्रेंड चल रहा है तो सेल है वो काफी कम हो गया है, ऐसे में आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, फेम जो था वो अगर फोर व्हीलर की बात करें तो सिर्फ फ्लीट सेगमेंट के लिए थी, कभी भी वो प्राइवेट सेगमेंट के लिए ओपन नहीं किया गया था। तो मुझे लगता है फेम 3 जो अभी आने वाली है उसमें हम लोग काफी उम्मीद कर रहे हैं कि ये फ्लीट सेगमेंट को उसको बढ़ावा उसमें भी दिया जाएगा, तो हम लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। और फिर ईवी सेगमेंट अगर थोड़ी भी प्रेशर में आई है तो ये फ्लीट सेगमेंट के कारण ही, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्च में जो है फेम 2 वो एक्सपायर कर रहा था, तो काफी जो फ्लीट बायर्स हैं वो लोग मार्च में ही और क्वार्टर 4 में ही ज्यादा परचेज कर लिए, तो चूंकि वो प्रीपोन कर लिए अपने परचेज को, इसलिए अब उन लोग जो है वो कुछ महीने बाद लेना चाहते हैं, अब वो पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि अब फेम 3 के लिए वेट कर रहे हैं। तो जैसे ये वापस ये जब अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी तो फिर फ्लीट सेगमेंट भी ऊपर आ जाएगा। पर्सनल सेगमेंट जो है जैसे लार्जर पीवी इंडस्ट्री में रिटेल जो है क्वार्टर 1 में लो होती है, वैसा इसमें भी है। शॉर्ट टर्म में हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ईवी अल्टीमेटली तो ग्रो करना ही है, इसके अलावा कोई दूसरी तकनीक जो है ऑटो इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं करने वाली है, इसलिए हम लोग काफी काफी भरोसेमंद और ऑप्टिमिस्टिक है इसके बारे में। एक लास्ट सवाल मैं आपसे लूंगा कि इंडस्ट्री में दो मत चल रहे हैं, एक का कहना है कि इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर, यस इलेक्ट्रिक फ्यूचर है लेकिन बैटरी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है, ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि हाइब्रिड होना चाहिए या फिर ईवी ही फ्यूचर है? नहीं देखिए, हाइब्रिड का तो कंपैरिजन इलेक्ट्रिक से नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक या दूसरी तकनीक जो बोल रहे हैं उसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी जी। तो अगर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर सकता है तो वो जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और उसका सोर्स जो है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड नहीं होना चाहिए। हाइब्रिड व्हीकल जो है उसको इलेक्ट्रिक से कंपेयर करना ही गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सोर्स ही नहीं है इसका। 100% जो इसकी एनर्जी सोर्स है एक हाइब्रिड की वो पेट्रोल है, तो उसको आप इलेक्ट्रिक से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते कि उसमें एक मोटर है। सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप फॉसिल फ्यूल वर्ल्ड को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वैसे तो फिर आप अगर हाइब्रिड करना है तो पेट्रोल और डीजल ही क्यों नहीं बात करें हम लोग, फिर वो भी तो उसमें भी कोई चैलेंज नहीं है, काफी एक्सेप्टेबल टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग क्यों ही बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक की, क्योंकि इलेक्ट्रिक की दिशा में देश को और पूरे संसार को ले जाना है, नहीं तो हमारी पृथ्वी जो है वो रिस्क पर है, तो उसमें जो है उसकी इकोसिस्टम को हमें डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए सिंगल फोकस अगर गवर्नमेंट का सारे स्टेक होल्डर्स का उधर नहीं रहेगा तो ये ट्रांजिशन मुश्किल है। तो हाइब्रिड को तो बिल्कुल मैं फ्यूचर नहीं समझता हूं, क्योंकि ये तो 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और इंडस्ट्री जो है ऑलरेडी लीफफ्रॉग कर चुकी है एक नई तकनीक की तरफ जो इलेक्ट्रिक है, तो कंट्री रिग्रेस क्यों होगी एक 20 साल पुरानी तकनीक की तरफ? तो मैं तो बिल्कुल उसको अल्टरनेटिव नहीं सोचता हूं। ये डिबेट तो मैं सिर्फ, माफ कीजिएगा, बस सिर्फ इंडिया में देखता हूं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं कि हाइब्रिड जो है वो एक आईस टेक्नोलॉजी है जो पेट्रोल से चलती है जी। तो इसलिए मैं उसको कंपेयर नहीं करता। चले सर, थैंक यू सिंह से बात करने के लिए, और आपको ढेर सारी बधाई इस कर्व ईवी कूपे लाइक एसयूवी के लिए।